That was for me or for him? Or both. One small request to everyone. If in case you can keep your mobile phones in silent mode, it will help everyone to understand the topic more seriously. And जो लोग वो 1 करोड़ डील के लिए मोबाइल फोन ऑन रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, लेकिन फिर अगर वो 1 करोड़ की डील हो जाएगी तो देन प्लीज गो आउट एंड एडवर्टाइज कि देखिए मैं ये वर्कशॉप में गया था, वहां 1 करोड़ की डील मेरी हो गई, सिर्फ वो याद रखिएगा। और अगर 1 करोड़ की डील नहीं हुई तो फिर हम एक छोटा सा फाइन लगाएंगे। गुड गुड। सो यहाँ पर मैं हिंदी में बात करूंगा, ठीक है? राइट, ओके। गुजराती में मैं कर नहीं पाऊंगा, वैसे मैं समझता हूँ, मराठी भी मैं पूरी बात नहीं कर पाऊंगा, समझता पूरा ओके। और हिंदी तो खैर मेरी मातृभाषा है। ऑडियंस में कितने ऐसे लोग हैं जो पैसा बनाना चाहते हैं? नहीं, कहाँ है? नहीं, एक मिनट, इट्स अ सीरियस क्वेश्चन। कई लोग होते हैं जो हाथ नहीं रेज करते, जैसे मैम ने रेज नहीं किया, तो ऑब्वियसली इनके पास बहुत पैसे हैं ऑलरेडी। पैसे सभी लोग बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई बहुत ही कम लोग होते हैं जो पैसा नहीं बनाना चाहते, राइट? आई थिंक ऑल ऑफ अस वी वांट टू मेक मनी, ओके। और पैसा बनाने का एक तो जो हम हमारा व्यवसाय करते हैं सब लोग करते ही हैं, ठीक है? और एक तरफ फिर हम उसको हमारे पैसे को बचाते हैं और उसको इन्वेस्ट करते हैं। और इन्वेस्ट करते समय हर प्राय सब इन्वेस्टर्स ओके, ये जो भी हम, और ये सेमिनार नहीं है, मैं खड़ा होके बोलने नहीं वाला हूं, ये बहुत से सवाल है, आप लोगों को जवाब देना है, आपस में डिस्कस करना है, मुझे भी उतना ही सीखना है जितना आप लोग होपफुली इस वर्कशॉप से सीख के जाएंगे। ये वर्कशॉप है, ठीक है? तो मैं सवाल पूछूंगा, आप लोगों को जवाब देना है और आपस में हमको डिस्कस करना है और शायद उसमें से हम लोग कुछ थोड़ा बहुत सीख सके। तो एज एन इन्वेस्टर आई थिंक हम सभी लोग ऐसी कई गलतियां करते हैं और सब लोग करते हैं और हमको पता है एक्चुअली कि वो गलती हम कर रहे हैं ओके, सिर्फ उसको उस समय कॉन्शियसली ध्यान नहीं रहता। तो वर्कशॉप का, अगर इस वर्कशॉप में हम 7 या 8 या 9 गलतियों की बात करते हैं कि जिनसे नहीं, अगर वो गलतियां अगर हम नहीं करेंगे तो हम पैसे को अपना दोस्त बना पाएंगे, राइट? अब हो सकता है वो 7-8 गलतियों में से आप कहेंगे कि मैं तो एक भी नहीं करता, या एक भी गलती आपको अपील नहीं करती, लेकिन अगर एक भी चीज अगर आपको यहां से कुछ चीज समझ में आएगी तो मेरे ख्याल से ये जो 1 घंटा हम यहां स्पेंड करेंगे वो शायद सबके लिए यूजफुल होगा, आपके लिए भी यूजफुल होगा और हमारे लिए भी यूजफुल होगा। ये फोटो दिख रही है पीछे, डिपेंड्स ऑन द डेस्टिनेशन ओके, यानी कितना दूर कितना है, लेकिन सॉरी काफी दूर है, कैसे जाता है ओके, what is the speed okay, he has not decided where to go, this on the side, he has not decided where to go, ha yahan jana hai ki is side aana hai, right? Anybody? He is confused, absolutely, he appears completely confused. Lekin dur kitna hai, apne uddeshya se dur kitna hai? Landmark mein dikha rahe hain, nazdeek hai uddeshya se, nazdeek hai, kaise pata sir, kaise pata nazdeek hai? क्योंकि वो रास्ता जो दिखा है या मंजिल दिखा रही है उससे नजदीक किधर है, मंजिल कहाँ है सर? मंजिल कहाँ है? आगे आगे, यहाँ पे इसके थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा ओके। ये कह रहे हैं एकदम पास में है, वो कह रहे हैं कि बहुत दूर है, और कोई जवाब? हाँ मैम, एबिलिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन दूर कितना है? सवाल का जवाब चाहिए, पास ही लग रहा है, that does not answer the question कि ये दूर कितना है, okay? Actually, जो इन्होंने कहा, इस सवाल का जवाब आप कैसे दे रहे हो कि पास में है कि दूर है? मैंने आपको बताया ही नहीं इसको जाना कहा है, ठीक है? पता ही नहीं है डेस्टिनेशन कहाँ है, ओके? अगर डेस्टिनेशन नहीं पता है, ठीक है, तो कितना दूर है वो कैसे पता हो सकता है? मंजिल यहाँ कहाँ लिखा है? ये पूरी वर्कशॉप में ट्रिक क्वेश्चंस है, पूरी वर्कशॉप में सारे ट्रिक क्वेश्चंस, तो आपको सोच
के जवाब देना, और जवाब देंगे तो मजा आए। ओके, तो यहाँ पे मंजिल तो बताया ही नहीं, तो मंजिल अगर आपको पता नहीं है, ये निकल चले आप अपने घर से निकल चले और आप इगतपुरी पहुंच गए, तो आप अपनी मंजिल से कितनी दूर है, कितनी दूर है मालूम नहीं ना। आगरा जाना है तो अभी बहुत दूर है, ठीक है, और नासिक जाना है तो काफी पास में है, राइट। तो यू हैव टू नो कि आपको पहुंचना कहां है, राइट। तो फिजिकल जर्नी के लिए वो सही है कि यू हैव टू नो वेयर योर डेस्टिनेशन इज बिफोर यू कैन डिसाइड कि आप कहां तक पहुंच गए हैं। अब पैसे बनाने के लिए हम सब, हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है, पैसा बनाना है, ठीक है, इस संदर्भ में, राइट। तो अगर हमारा डेस्टिनेशन पैसा बनाना है तो हम कितने दूर हैं पैसा बनाने, कौन आंसर कर सकता है बताइए, कोई तरीका है इसको आंसर करने का, कितने पैसे बनाने, सबने रेस किया, राइट, कितने बनाने, कब बनाने, पहले टारगेट रखिएगा, सॉरी रिलेटिव टू व्हाट, रिलेटिव टू व्हाट, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन वन आइटम इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जीरो है सर, अगर समझो इन्फ्लेशन जीरो है तो व्हाट, हाउ मच मनी डू यू नीड एंड व्हेन, इट डिपेंड्स अपॉन नीड्स, सॉरी, मकान बनाना है, शादी करनी है, बाल बच्चे को करेक्ट, राइट, मुझे किस चीज के लिए पैसे बनाने, राइट। अगर मुझे मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे जुड़ने हैं, और मेरा बच्चा 3 साल का है, यहाँ पे ऑडियंस में किसी का बच्चा 3 साल का, गुड, राइट, आपको उसके पढ़ाई के लिए पैसे जुटाने हैं, सो देयर, अब कब चाहिए, आज तो नहीं चाहिए, समझिए 15 साल में चाहिए, तो कितने चाहिए, कभी सोचा आपने कितने चाहिए, ये आपका बच्चा 3 साल का है, राइट, क्या करने वाला, करने वाला लड़का है लड़की, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, तो क्या करेंगी वो, वो एडवर्टाइजमेंट नहीं देखते, एस्ट्रोनॉट बनेगी, डॉक्टर बनेगी, क्या बनेगी, कुछ प्रोफेशनल बनेगी, तो कितना पैसा लगेगा आपको, टेक अ गेस क्विकली, आज की वैल्यू के हिसाब से 7 लाख, तो 15 साल बाद चाहिए आपको, तो कितने लगेंगे, सॉरी, मोर देन अ करोड़, ओके। सो इसेंशियली जो हम कह रहे हैं कि हमको अगर पैसे भी बनाने हैं तो किस चीज के लिए बनाने, कब चाहिए, उसको अगर हम नक्की नहीं करेंगे आज तो कैसे जाएंगे। अगर मुझे आगरा जाना है तो मेरे पास पेट्रोल कितना है, मैं उसका पूरा प्लानिंग करके चलूंगा, और मुझे अगर एक आगरा जाना है, एक मथुरा जाना है, एक वृंदावन जाना है, कई जगह अगर जाना है पर मेरे पास पेट्रोल पूरा नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि एक चीज ड्रॉप कर देते हैं, राइट। उसी तरीके से फाइनेंशियल लाइफ में भी मेरे बहुत से गोल्स हैं, मेरे बच्चों की पढ़ाई करनी है, मेरे बच्चों की शादी करनी है, मुझे रिटायरमेंट के लिए इनफ पैसा चाहिए, ये 3 गोल बहुत ही कॉमन है कि मुझे रिटायरमेंट के लिए इनफ पैसा चाहिए। उसके बाद ऑफकोर्स चौथा गोल ये है कि मुझे बहुत सा पैसा चाहिए, और फिर बहुत सी चीजें हो सकती है, मुझे एक रेड फरारी चाहिए, मुझे मतलब बहामास में एक बीच हाउस चाहिए, कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन दो, एक बुनियादी तौर पे कई चीजें हमारी नीड्स होती हैं और उसको हम लोग बराबर से एस्टिमेट नहीं करते। इनफैक्ट लेट अस टेक दिस एग्जांपल, ओके, इन्फ्लेशन को हम लोग एडजस्ट नहीं करते, राइट। अगर समझो इन्फ्लेशन 10% है, इफ इट इज 10%, ओके, एंड लेट अस से ही सेड 7 लाख, ये मेरा ऑलरेडी बिल्ट इन है, तो 5 लाख का 15 साल बाद अगर इन्फ्लेशन 10% है तो कितना चाहिएगा, 25 लाख, ओनली वन, कम ऑन, सॉरी 75, who's that gentleman, 75 lakhs, ओके, 75 lakhs, ओके, with these assumptions 15 lakhs, 15, ओके, 20 lakhs, did you calculate that sir, approximately, and how did you calculate, so he is almost bang on target, so how did you calculate, every year 5 lakhs upon the rest to 10, having inflation of 10%, then we have to recalculate and again cumulative, so aapne ye sab dimag mein kar liya, rule of 72, rule of 72, perfect, 1.1 raised to 10, that is right, 1.1 raised to 10, isko mind mein karna bahut hi mushkil hai,
और उसको थोड़ा आसान तरीके से करना समथिंग कॉल्ड द रूल ऑफ 72। बहुत ही यूजफुल रूल है, इसको हर समय हमारे पास कंप्यूटर नहीं होते हर समय, तो कोई भी जब आपको कोई ऐसी टाइप की प्रॉब्लम होती है, देखिए 72 डिवाइडेड बाय द रेट 10% दैट टेल्स यू द नंबर ऑफ इयर्स इन विच इट डबल्स, 7.2 इयर्स इट डबल्स, इयर्स में 14.4 इयर्स में 20 लाख हो जाएगा, तो रफली उससे थोड़ा ज्यादा, द एक्चुअल फिगर इज 20,89,000 और रफली 21 लाख। इन्फ्लेशन का जो फिगर है इन्होंने कर लिया, तो एक आई थिंक देयर नीड्स टू बी बिग क्लैप बिकॉज़ आई ओके। एक और एग्जांपल क्विकली लेते हैं, अगर रिटायरमेंट के लिए मुझे पैसे सेव करने, ठीक है मैं आज 30 साल का हूं, है 30 साल के कोई ऑडियंस में, आप 30 के आसपास ही होंगे करेक्ट, और आज अगर मेरा खर्चा 50,000 है, मैं सोचूं कि अगर मैं आज रिटायर हो जाऊं मेरे को 50,000 रुपए चाहिए, ठीक है रिटायर होऊंगा 60 साल की उम्र में, इन्फ्लेशन इज एट 8%, तो मुझे कितने पैसे चाहिएंगे, कितने चाहिएंगे 72 के हिसाब से, हर 9 साल में पैसे डबल राइट, तो मुझे कॉर्पस कितना चाहिएगा, 2 करोड़ से कम 6 लाख रुपया साल का खर्चा है, तो कितना चाहिएगा, 2 करोड़ से कम, 2 से 10, 10 से ज्यादा, 2 से 10 सॉरी 2 से 10 एनीबडी एल्स, एवरीबडी इज 2 से 10 सॉरी लेस देन 2 करोड़। अरे सर अब की बार आपका कैलकुलेशन फेल हो गया सर, हाँ थिंकिंग की मुझे रिटायरमेंट के बाद 50,000 रुपए चाहिए, ओके 12 करोड़ अपीयर्स लाइक डबल होंगे, 6 के 12 हो गए, 18 साल में वापस डबल होगा, 12 का 24 हो गया, ओके 27 साल में फिर डबल होंगे, 48 हो गया, और फिर 3 साल वो 60 लाख हो जाते हैं, जो खर्चा आज 6 लाख में चलता है साल का, 30 साल बाद 60 लाख रुपए चाहिएंगे आपको, और महंगाई तो उसके बाद भी चलती रहेगी, महंगाई तो बंद नहीं होगी, रिटायर हो गए इसका ये मतलब तो नहीं है कि महंगाई बंद हो गई, और अगर समझो आप 20 साल जिए उसके बाद और आपके पास इतना पैसा है कि कम से कम महंगाई जितना पैसा तो वो कमा ले, तो भी आप 60 लाख इंटू 20 साल करके देख लें तो 12 करोड़ होता है। ये फिगर्स बहुत कम लोग, स्पेशली जब समय लंबा हो जाता है, इसमें 30 साल का समय है एंड स्पेशली फॉर द यंग पीपल, तब हमको अंदाज नहीं होता कि ये फिगर इतनी हाई हो सकती। ये याद रखिएगा, इसको यूज करेंगे हम लोग आगे आगे वर्कशॉप में, यही फिगर्स यूज करेंगे, ओके। तो ये जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, कई क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास, मुझे रिटायरमेंट के लिए इनफ पैसे चाहिए, यंग लोग, इनके जैसे यंग लोग प्रोफेशनल्स, अच्छा कितने पैसे चाहिए, 2 करोड़ रुपए चाहिए। अरे भाई तू है कितने का, 30 साल का, रिटायर कब होगा, 60 साल का होगा, 2 करोड़ में कितने दिन तेरा काम चलेगा, ये समझने के लिए, बिकॉज आदमी कंपाउंड इंटरेस्ट हेड में कैलकुलेट बहुत कम लोग कर पाते, तो उसको कैलकुलेट करना पड़ता है।